नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो रेलवे 2020 में एग्ज़ाम्स होने वाली है NTPC एंड ग्रुप डी, जिसके लिए हम आपके लिए गैस MCQ की एक बहुत ही स्पेशल सीरीज़ चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आपके लिए डेली 40 MCQ लेके आते हैं, जो कि पिछले 5 सालों के एग्ज़ाम में पूछे गए और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। उसके अंतर्गत आज हम आपके लिए 17वें नंबर का वीडियो लेके आएँ। इसके पहले 16 वीडियो हमने कंप्लीट करा दी हैं। अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे तो मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी, यहाँ पर आई के बटन पर जोड़ दिया, आप यहाँ से हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए या फिर मन में सोचिए, और आखिरी में जरूर बताइए कि आपके 40 में से कितने मार्क्स आए, साथ साथ अपने RRB जोन का नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए आज का वीडियो नंबर 17 शुरू करते हैं, गैस MCQ सीरीज रेलवे 2020 की परीक्षा NTPC ग्रुप डी के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट सभी स्टूडेंट्स एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए इस तरह के आगे भी वीडियो लाते रहें। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, आपको बताना है जो एक बैरल होता है उसमें कितने लीटर होते हैं। जो इंटरनेशनल मार्केट में जब तेल खरीदा जाता है बेचा, तो उसमें बैरल में ही बात होती है। तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 159 लीटर। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक लोहे का एक अयस्क है, आपको निम्न में से कौन सा लोहे का एक अयस्क है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहे का एक अयस्क होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। जो एंथ्रासाइट कोयला होता है उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 90% से अधिक। जो एंथ्रासाइट कोयला होता है उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 90% से अधिक होती है। देखिए, जितना ज़्यादा कार्बन होगा कोयले में उसको उतना ही अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला, क्योंकि उसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 90% से अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध लेगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है। आपको बताना कि प्रसिद्ध लेगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। किस राज्य में स्थित है, ओडिशा राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2019 का, उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 102, कौन सा, 102वां स्थान मिला है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग कौन क्या है। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग इनमें से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत। क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। जो सूर्य की सबसे बाहर वाली परत होती है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किरीट। क्या कहा जाता है, किरीट कहा जाता है। सूर्य के सबसे बाह्यतम परत को किरीट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल से शुद्ध जल को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। समुद्री जल से शुद्ध जल को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आसवन द्वारा। किसके द्वारा किया जा सकता है, आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत की गई। तो आपको बताना कि इनमें से किस राज्य में हाल ही में राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में। किसमें की गई है, असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। आपको बताना है कि जो स्वर्णिम क्रांति है उसका संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्यान कृषि। किससे संबंधित है, उद्यान कृषि से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कोलकाता में। कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लेपिडेटेरियोलॉजी। क्या कहलाता है, लेपिडेटेरियोलॉजी, जिसके अंतर्गत तितलियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और निम्न में से किस देश के बीच सिम्बेक्स 2019 युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है। मतलब शुरू हो चुका है और हो चुका है, पूरा कंप्लीट भी हो चुका है युद्ध अभ्यास। तो आपको उस देश का नाम बताना है जिस देश के साथ भारत ने अभी हाल ही में सिम्बेक्स 2019 युद्ध अभ्यास किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। के साथ किया है, सिंगापुर के साथ किया है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 में। कब किया गया था, 1952 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबड़ किसका उत्पाद है। आपको बताना है रबड़ किसका उत्पाद है, यहाँ पर पूछा गया रबड़ किसका उत्पाद है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लेटेक्स का। किसका उत्पाद होता है, रबड़ लेटेक्स का उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है अशोक के बारे में अगर आपको जानना है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, शिलालेख। शिलालेख जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं अशोक के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, हमने अभी डिस्कस कर लिया था इसके पहले वाले टेस्ट में, इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कोलकाता व अमृतसर। ग्रांड ट्रंक सड़क है, जो सड़क है वो किसको जोड़ती है, कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। अगला प्रश्न हमारा, लूनार झील किस राज्य में स्थित है, लूनार झील किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में, कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो कौन करता है, इंडोनेशिया करता है, विश्व में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन इंडोनेशिया करता है। सॉरी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ है, आपको बताना है से किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी एवं अस्थायी खंडपीठ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, क्या होगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करता है, श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करता है, तो पाक जल संधि, श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करता है, पाक जल संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, आपको बताना है कि अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, जड़ों की कोशिकाओं में, कहाँ पाए जाते हैं, जड़ों की कोशिकाओं में मुख्यतः पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो, कौन सा है, माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने डच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है, आपको बताना है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने डच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है, तो किसने जीता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लक्ष्य सेन, किसने जीता है, लक्ष्य सेन ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो किस दर्रे से होकर गुजरता है, बनिहाल दर्रे से, किससे, बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा देश आईसीसी विश्व कप 2023 के 13वें संस्करण की मेजबानी करेगा, यहाँ पर बात हो रही है आईसीसी विश्व कप 2023 के 13वें संस्करण की मेजबानी की, तो कौन सा देश करेगा, तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा प्यारा भारत, कौन करेगा, हमारा प्यारा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, तो सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, तो पेरिस से होकर बहती है, कहाँ से बहती है, पेरिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, जो जीवन रक्षक हार्मोन होते हैं वह किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो एड्रिनल ग्रंथि से, कहाँ से स्रावित होते हैं, एड्रिनल ग्रंथि से। अगला प्रश्न हमारा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, देखिए जैन धर्म जो होता है उसमें पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का उपयोग किया जाता है, तो कैवल्य, किसका उपयोग किया जाता है, कैवल्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य ग्रहण कब होता है, देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, तो कब होता है सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन, अगर मैं बात करूँ चंद्र ग्रहण की तो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन, याद रखिएगा सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, और अगर पूर्णिमा को कौन सा होता है, तो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गूगल ने अपोलो 11 मिशन के कितने साल पूरे होने पर डूडल बनाकर याद किया था, देखिए कितने साल पूरे होने पर, इसका सही उत्तर है 50 साल पूरे होने पर, अभी हाल ही में गूगल ने अपोलो 11 मिशन के 50 साल पूरे होने पर उसने डूडल बनाकर उसे याद किया था जुलाई 2019 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है, 5 परत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, वैज्ञानिक का नाम बताना जिन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रोंटजन, किसने किया था, रोंटजन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी भी होती है, मौसमी बेरोजगारी भी होती है, और घर्षणात्मक बेरोजगारी भी होती है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इनमें से सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक परमाणु भाग नहीं, आपको बताना निम्न से कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फोटोन, फोटोन एक परमाणु भाग की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शरीर संरचना और वातावरण, किस संबंधित है, शरीर संरचना और वातावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत है एक, देखिए भारत किस क्या है, भारत जो चार ऑप्शन देखे ना में से क्या है, तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो कहीं भारत एक क्या है,
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। तो दोस्तों हमने आज आपको रेलवे 2020 में एनटीपीसी ग्रुप डी की एग्जाम के जो गेस एमसीक्यू की सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज हमने आपको 17वें नंबर का वीडियो कंप्लीट करा दिया है। इसके पहले के 16 वीडियो देखना है तो आई के बटन पर जोड़ दिए प्लेलिस्ट, यहाँ से देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको 40 में से कितने मार्क्स आएँ, साथ साथ ये बताइए कि आपका आरआरबी जोन कौन सा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस तरह के और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन जरूर दबा के रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।